हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सुनीता प्रजापति, ओनली वेज शाकाहारी, और मैं ऐसे इंसानों को भी, सभी तरह के इंसानों को अभी अपनी फैमिली मान चुकी हूँ। कोई कैसा ही भी हो, खान पीन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। और मेरे माँ बाप को ख़त्म होने के बाद मेरे साथ क्या क्या किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या हो रहा है। मुझे ये गला दबाने की वजह से मुझे यहाँ से ब्लड लीकेज होता था कई सालों से, और अब यहाँ पर पता नहीं कैंसर की गांठ है, पता नहीं क्या है, ये सारा वरम आ रहा है। आप देख सकते हैं सब मेरा फेस है नहीं, यहाँ तक मुझ पे वरम आ रहा है, यहाँ तक, यहाँ सब पे। और आप मुझे फॉलो करें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझसे जुड़े रहने के लिए। मैं हकीकत ज़िंदगी दिखाना पसंद करती हूँ। हलवाई के घर से हूँ, हलवाई मेरे पापा थे, वो ख़त्म हो चुके हैं, और एक बच्चा भाई और भाभी, जो कि नाम भी मैं लेना पसंद नहीं करती, मैं सोचती भी नहीं कभी, इतना गलत मेरे साथ किया है। और उन लोगों की वजह से और मेरे हस्बैंड की वजह से मेरे गले में आज क्या है। मेरी दो बेटी हैं, एक मेरे पास, ये रही देखो, एक ये लेटी मेरे पास और एक वो रही पीछे जो कि वहाँ पर लेटी है। और इन दो बच्चों के लिए मैं जीना चाहती हूँ, और इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा, आप सब मेरी फैमिली बनी है, मुझे उम्मीद है। और मैं हकीकत ज़िंदगी जीती हूँ, हकीकत दिखाना चाहती हूँ। हलवाई के घर से हूँ, हलवाई जैसी रेसिपी मैं एक से एक कम समय कम लागत में बनाना जानती हूँ, और चाहती हूँ आप सब आप सबको दिखाना चाहती हूँ। आप सबके पास में दिखाने के पहले ही दिखा नहीं पाती, किसकी वजह से और कौन निकाल देता है ये मैं आपको सब बताऊँगी। और आप मेरी यूट्यूब पर सुनीता किचन ट्रेवल्स लाइव चैनल में जाकर लाइव वीडियो मेरी ज़रूर देखें कि मैं कहाँ कहाँ टाइम काट रही हूँ। छत पर टाइम काटा मैंने 3 महीने, कोई मेरा अपना नहीं है इस दुनिया में। मारने की की जाती है कोशिश और मारने की दी जाती है धमकी मुझे उस एक भाभी और भाई की वजह से। उन्होंने बोला है कि मेरे हस्बैंड से पैसों के लिए, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के पैसे मांग लिए थे, मैं दुखी हो रही थी, मुझे दुखी करता था मेरा हस्बैंड कई सालों से, तो उस पैसे के खातिर मुझे मारने के लिए बोला उन लोगों ने। माँ बाप मेरे हैं नहीं, ससुर भी मेरे माँ बाप से पहले ख़त्म हो गए थे मेरे, और सास हैं मेरी, जेठानी के दो बच्चों को लेके पालती हैं, जेठानी चली गई दोनों छोड़ के मेरे जेठ को। तो यह मेरी ज़िंदगी है, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। और ये मेरा जो ससुराल है, क्राइम भरा गाँव मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत बुरे बुरे लोग रहते हैं। मैं सभी को नहीं कहूँगी, सब अलग अलग होते हैं, हर जगह हर लोग अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा औरतों को मार दिया जाता है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। प्रधान यहाँ के ऐसे हैं, शायद प्रधान की वजह से, प्रधान को वोट चाहिए इसलिए। और मैं नर्सरी गार्डन ट्रिक्स भी जानती हूँ एक से एक। एक पेड़ से आप घर में ही फ्री में कैसे बनाएं हज़ारों पेड़, या फिर 10 या 4 पेड़ या 2 पेड़, एक पेड़ से कैसे बनाएं। फल फूल सब्जियों के भी मैं ऑलरेडी बनाती हूँ, अंगूर, सब तरह की सब्ज़ी, अमरूद, सेब और सभी कुछ मैं, जैसे कि कोई भी फल फ्रूट हुआ, सबके पेड़ पौधे लगाना जानती हूँ अच्छे से। मैं आप सबको दिखाना भी चाहती हूँ, लेकिन 2-3 महीने की मेहनत थी मेरी, सब निकलवा दी। और अब मैंने अपनी बहन की मदद से इसमें डाटा लिया है। और वैसे तो मैं सिलाई और पार्लर का टोटल काम जानती हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई सिलाई नहीं करवाता, पहले पहले करवाते थे, अब सब कस्बा है बराबर में, वहाँ जाते हैं, बड़े लोग हैं यहाँ पे। बस प्रजापति का घर मेरा ही है एक यहाँ पे, और अभी 15 दिन के अंदर एक औरत को फांसी दे के मार दिया गया है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा है। तो आप फॉलो करें मुझे, और आप सब मुझे समझें, मेरी ज़िंदगी से जुड़ें, और वीडियो को शेयर भी करें।